एक बार वेट कर दीजिए रसिक साहब, एक बार वेट कर दीजिए। हर घर कितनी उम्मीदें हैं आपको जो आज मुहिम खत्म हो रही है? देखिए आप एक को देख लिया कि जो सुनामी नॉर्थ कश्मीर से चली, अब वो पूरी साउथ कश्मीर में भी और अब पश्चिम कश्मीर में भी, आपने कहा दूरू में देखा होगा, बड़गाम में देखा होगा, तो हमें पूरी उम्मीद है कि कश्मीर के लोग अपना मुस्तकबिल बचाने के लिए अवामी इंसाफ पार्टी का भरपूर साथ है। और किस तरह से आपको ये लगातार इल्जाम की बारिश आप पे हो रही है कि गवर्नमेंट का एजेंट बीजेपी? कमाल है आप तो, कमाल है आप तो, खुल के बात सामने आई। अब अपनी पार्टी ने उमर अब्दुल्ला का सपोर्ट किया बड़गाम में, अब तो दुनिया को पता है बीजेपी का एजेंट कौन है। कल उमर अब्दुल्ला ने शुक्रिया भी अदा किया मुंतजर मोहिद्दीन का, अपनी पार्टी का। अभी भी आप मुझसे सवाल पूछ रहे, आप ऐसा सवाल पूछते कि मुझे बताइए, कल जब ओपन हुआ अपनी पार्टी और एनसी का अलायंस है, और कल दुनिया को पता है सज्जाद लोन और उमर अब्दुल्ला मुलाकात कर रहे हैं आपस में, वो भी अलायंस कर रहे हैं, बीजेपी ने अब क्लियर कट, बीजेपी समझ गई अगर उसको कोई रोक सकती है तो अब आवामी पार्टी रोक सकती है। उसने अब एनसी पीडीपी अपनी पार्टी सज्जाद लोन ये चारों आप इकट्ठे बीजेपी के बी टीम बन गए हैं, क्या आपको अभी भी शक है? आपने कल नहीं सुना, मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने कल सुना कि उमर अब्दुल्ला साहब ने शुक्रिया अदा किया अपनी पार्टी का? कल तक तो अपनी पार्टी को बी टीम कह रहे थे, आज साबित हुआ इस खानदान ने 47 से आज तक कश्मीरी को ऐसे ही जलील किया है। आज उमर अब्दुल्ला एक्सपोज हो गए, आप कश्मीरी समझ गए बीजेपी का एजेंट कौन है, आप तो कोई लड़ाई ही नहीं रही। अरे सर एक मिनट, आप कौन सी लड़ाई है आप मुझे जरा बताएं, कमाल है। अब उमर अब्दुल्ला खुल के कह रहा है कि अपनी पार्टी का मैं सपोर्ट ले रहा हूँ। मैं ये समझ रहा था जब अपनी पार्टी ने सपोर्ट किया, मैं समझ रहा था उमर साहब शाम तक ऐलान करेंगे, मुझे उनका सपोर्ट नहीं चाहिए। उसने उनका थैंक यू बोला, शेख खानदान से ये कह दे कि अब आप ज्यादा देर तक कश्मीरियों को अपने गुलाम नहीं समझ सकते। उसने अपनी पार्टी का ओपन सपोर्ट लिया, उनको बीजेपी का प्रॉक्सी कहा, और अब कैसे वो किसी को कुछ कह सकते हैं? उससे बेहतर तो कोई भी जवाब है। सर मिश्रा जी का कल बयान आया कि जो कैद में है, चाहे वो स्टूडेंट कल्चर से या मिलिटेंसी की बात कर रहे, किसी को रिहा नहीं किया, क्या आप मानते हैं कि रिहाई बहुत जरूरी है हालात को बेहतर करने के लिए? वो आप अमित शाह जी से पूछे, उन्होंने आप इतना ही कहेंगे, जब तक मर्जी है लोगों को जेल में रखो, लेकिन कश्मीरी आप क्या आगे झुकेंगे नहीं, भीख नहीं मांगेंगे। आपके कैंडिडेट नजर अहमद खान पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने बात करके कि आप किस तरह का गैस अल्फाज का इस्तेमाल किया, मुझे नहीं पता वो वहाँ क्या हुआ है बाय डोंट नो, लेकिन मेरे लिए सब सबसे इम्पोर्टेंट है कि कश्मीर और कश्मीर की बात करें, मैं इन फालतू बस में पढ़ना नहीं चाहता। सर आप भी मुहिम चला रहे हैं, अभी बाहर आ रहे हैं, आपकी पार्टी काम कर रही है, लेकिन आपके इल्जाम की सेंटीमेंट इस्तेमाल कर रही है, ये मसला क्या है? कमाल की बात है, इल्जाम तो मुझ पर ही आएंगे ना, जो 5.5 साल अपनी कौम के लिए तैयार जेल में रहा, ये उमर अब्दुल्ला साहब पर थोड़ा आएंगे, वो गुलमर्ग में गॉल्फ खेल रहे थे, ये मैडम पर थोड़ा आएंगी, वो तो पहले कह रही थी लीडरों ने, वो पहले ही कह रही थी कि अवाम ने बहुत कुर्बानी दी है, अब लीडर कुर्बानी दे। अब दरअसल हुआ क्या, जैसे ही हम तैयार जेल से बाहर निकले, वहां कोई कश्मीरी 10-20-30 बंदे आए थे, उनमें से किसी ने नारा लगाया, मैंने उनसे नारा लिया, उन्होंने कहा अब जुलूस से निकला डर आया आया इंजीनियर, और उमर साहब और मैडम को भी ये नारा उन तक पहुंच गया, उन्हें हिम्मत हो गई कि अगर हमें गिरफ्तार करेंगे इंजीनियर रशीद उनकी तरह खामोश नहीं रहेगा, मैं उनके लिए बोलूंगा। इसलिए अब थोड़ा वो है ना, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले झूठा ही सही, अब थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू किया वोट बैंक के लिए, ये भी नहीं बोल पाते अगर मैं बाहर नहीं